जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, टिकटॉक बंद होने वाला है। बंद करो टिकटॉक, बंद करो। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक अब हमारे बीच नहीं रहेगा दोस्तों। बहुत ही दुखद की बात है, क्योंकि दोस्तों मैं भी हूँ एक टिकटॉक यूजर। तो दोस्तों अब बहुत बहुत नजदीक समय रह गया कि टिकटॉक आप हमारे बीच नहीं रहेगा। दोस्तों आज हम सच्चाई बताएंगे कि टिकटॉक के ऊपर क्यों इतना बैन का लग रहा है रेप। तो दोस्तों क्यों हो सकता है टिकटॉक बैन? दोस्तों क्या हमारे बीच नहीं रहेंगे टिकटॉक? क्या दोस्तों हम अब नहीं चला पाएंगे टिकटॉक? क्या दोस्तों हमारे बीच नहीं मिलेंगे टिकटॉक ऐप? तो दोस्तों आज हम पूरा वीडियो में क्लियर कर देंगे। सारे वीडियो को मैंने देखा यूट्यूब पे, इसके बाद मैं बना रहा हूँ वीडियो। मैं सोचा अपने दोस्तों के लिए जेन्युइन और सब यूनिक कंटेंट बताऊं और दोस्तों को बताऊं कि यार सही में टिकटॉक चला जाएगा या टिकटॉक रहेगा या टिकटॉक इंडिया में बैन हो जाएगा। दोस्तों तो टिकटॉक में क्या होने वाला है? दोस्तों टिकटॉक चला जाएगा, टिकटॉक रहेगा, टिकटॉक आखिर कहां जाएगा? तो दोस्तों ये सारे बात मैं बताऊंगा कि टिकटॉक बैन होगा या नहीं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को बिना स्किप किए सुन सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बताएंगे टिकटॉक क्यों बैन होगा। दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले हम टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो तमिलनाडु की सरकार जो मणिकानंदन है, ठीक है, आईटी मिनिस्टर मणिकानंदन जो है वो सीधे कह रहे हैं कि मैं टिकटॉक को बैन करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, वो नोटिस देंगे। नोटिस तो दिए नहीं है दोस्तों, बहुत जल्द वो नोटिस देने वाले हैं। तो दोस्तों इसके पीछे रीजन ये है दोस्तों, टिकटॉक पे बहुत सारे सेक्सुअल कंटेंट, हार्मफुल कंटेंट, यानी कोई भी पॉलिसी यानी कि टिकटॉक पे नहीं है जिससे कि आप रोक सको कोई भी वीडियो को। दोस्तों क्या करता है बहुत सारे दोस्तों, गलत सलत वीडियो, फेक वीडियो, गंदी वीडियो डाल देता है, हार्मफुल सेक्सुअल से कंटेंट, गलत वीडियो डाल देता है जो कि 18 साल से नीचे लड़के के लिए देखने के लिए बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है उस पर। दोस्तों तो ये सब बहुत सारे बातें हैं दोस्तों, टिकटॉक पे बहुत गलत गलत वीडियो, अफवाह भी फैलाई जा रही है और बहुत गलत गंदी गंदी वीडियो भी। दोस्तों हाल ही में समझो एक वीडियो वायरल हुआ था, इसमें तेरा घाटा, ये वाला वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था जो कि बहुत गंदी वीडियो थी। दोस्तों तो इसी तरह से दोस्तों क्या होता है, टिकटॉक पे कोई रोक झोंक नहीं है, कोई भी पॉलिसी नहीं है कि आप जैसा हो सके वैसा वीडियो डाल दो दोस्तों, गंदी हो या कैसी हो। तो ये सब बातें सोच करके तमिलनाडु की सरकार ने सोचा कि इस टिकटॉक को बैन करवा दिया जाए। तो दोस्तों देखिए, टिकटॉक जहां बात हुई बैन की, तो दोस्तों बात अगर बैन की बात करें दोस्तों, पॉसिबल नहीं है टिकटॉक को बैन करना। हो सके तो दोस्तों ये तमिलनाडु में 100% बैन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इंडिया में बैन होने के लिए इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समझ सकते हैं दोस्तों टिकटॉक वाले का भी रोजी रोटी टिकटॉक से ही चलता है। तो वो भी कुछ कदम उठाएंगे इसके पीछे, वो भी कुछ सोचेंगे और वो भी कुछ पॉलिसी बना सकते हैं। अगर हो सके टिकटॉक वाले अगर इससे पहले अपने सुधार लाए, अपने टिकटॉक ऐप में क्या करे, वो कुछ पॉलिसी निकाल दे, इसी कंटेंट को यूज नहीं कर सकते, कॉपीराइट कंटेंट यूज नहीं कर सकते, तो इससे हो सकता है टिकटॉक बच जाए। तो दोस्तों बात यही है, टिकटॉक पे बहुत सारी गंदी वीडियो सब भी वायरल हो जाती है और गलत सलत सेक्सुअल से रिलेटेड, हार्मफुल से रिलेटेड ये सारी वीडियो जो टिकटॉक पे जब अपलोड होती है, तो दोस्तों बहुत सारे 18 से नीचे लड़के को बुरा इफेक्ट पड़ता है, वो बिगड़ जाते हैं दोस्तों बच्चे सब। तो बच्चे सबको देखने के लिए वीडियो ऐसी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, इसके लिए टिकटॉक वाले को मेरे अनुसार सुधार करना चाहिए और जिसने भी इसमें सेक्सुअल कंटेंट है, गलत कंटेंट है, उसको सुधार करके नई कंटेंट, नई पॉलिसी बनाना चाहिए। तो दोस्तों ये सब बात को लेकर तमिलनाडु की सरकार, मणिकानंदन जी आईटी मिनिस्टर, उसने कदम उठाया कि टिकटॉक को बैन करवा दिया जाए। दोस्तों हो सके तो ये तमिलनाडु में बैन हो जाएगा, तो दोस्तों पूरी इंडिया में बैन नहीं हो सकता मेरे अनुसार। तो दोस्तों यही सब बातें हैं जिसके खातिर तमिलनाडु की सरकार ने इसके ऊपर कदम उठा रहा है कि टिकटॉक को बैन करवा दिया जाए। दोस्तों ये सारी जब पॉलिसी अगर टिकटॉक वाले चेंज कर दें, तो टिकटॉक वाले अगर पॉलिसी बना दें तो ये सब कंटेंट यूज ना हो सके टिकटॉक पे सेक्सुअल कंटेंट, तो इससे 100% आपका हमारा टिकटॉक नहीं जाएगा कहीं दोस्तों। तो हम दोस्तों उम्मीद करेंगे टिकटॉक कहीं ना जाए और टिकटॉक हम लोग के बीच रहे। दोस्तों हो सकता है टिकटॉक में बहुत सारी पॉलिसी आ जाए और बहुत जल्दी टिकटॉक में सुधार आए, तो टिकटॉक हमारा एप्लीकेशन जिंदाबाद रहेगा और रहेगा हम लोग के बीच, और दोस्तों कभी वो वापस कहीं नहीं जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, ये थे कुछ न्यूज, मैंने सोचा अपने दोस्तों शेयर करो। टिकटॉक कहीं नहीं जाने वाले दोस्तों, हो सके तो यह तमिलनाडु में बैन हो सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भगवान का दिन शुभ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।